आज तो चलेंगी गोलियां, धाएं धाएं चलेंगी गोलियां, कहां SBS ओरिजिनल्स में, क्योंकि अनुजा साढ़े जो आ गई हैं, वो भी राइफल शूटिंग के साथ। फिल्म्स और शोज में आपने कई एक्टर्स को गन चलाते हुए देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि एक्टर्स इस पावरफुल काम के लिए ट्रेनिंग कैसे लेते हैं? वेल, अगर नहीं पता तो आज SBS ओरिजिनल्स आपको पर्दे के पीछे की कहानी बताएगा विद नन अदर देन एकती बेगम स्टार अनुजा साठे। हाय, मैं हूँ अनुजा साठे और मैं आज आई हूँ यहाँ इस शूटिंग रेंज में, जहाँ पे मैं राइफल शूटिंग ट्राई कर रही हूँ। मैंने किया है, थोड़ा बहुत सीखा भी है। आज यहाँ पे मुझे असल में एम करके राइफल शूट कराना सिखाया है। सबसे पहले हमें ये लोड करना है, इसे इसके स्थान पर पहुंचाना है, ये आवाज़ के लिए, क्योंकि एयर गन का भी आवाज़ काफ़ी आता है। देन ये एम करना है, हम तीन निशाने मारेंगे अनुजा आपके साथ, तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि पहला शिकार आपका कौन है। ओके, पहला शिकार है वो सारे लोग जो ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं। ऐसा क्या गुस्सा है? मन से मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई ट्रैफिक रूल तोड़ता है। दूसरा निशाना मैं लगाऊंगी उन लोगों पर जो सेलिब्रिटीज़ को अननेसेसरीली बहुत ट्रोल करते हैं फॉर नो रीज़न। तीसरा निशाना उन लोगों पे जिन्होंने अब तक एकती बेगम का पहला सीज़न नहीं देखा और जिन्हें नहीं पता कि कल एकती बेगम का सीज़न 2 आ रहा है। एक थी बेगम में अपने बोल्ड और इंटेंस किरदार से अनुजा ने सबको अपना दीवाना बना दिया है। जब अनुजा स्पेशली हमसे मिली तो हम उनको विदाउट चैलेंज तो जाने नहीं दे सकते ना, तो फिटनेस एंथुजियास्ट अनुजा को हमने दिया एक यूनिक चैलेंज और जाने उनके हेल्दी और फिट होने के राज। हाय, आज मुझे SBS ओरिजिनल्स ने 3 मिनट्स फिटनेस चैलेंज दिया है, तो शुरू करते हैं। हर डॉक्टर कहता है कि आप एटलीस्ट 45 मिनट्स एक्सरसाइज करो। ये किसी बॉडी टाइप के लिए या किसी को दिखाने के लिए नहीं है, आई थिंक ये अपने आप के लिए है। और लड़कियाँ बहुत लेड बैक दिखती है कभी कभार मुझे, कि नहीं करती वर्कआउट, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप के लिए, अपने खुद की हेल्थ के लिए ज़रूर कीजिए।
मेघा थदानी, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।